हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम बंगाली स्टाइल में फ़िश कड़ी की रेसिपी। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये जो फ़िश है ये कातला फ़िश है। ये मैंने एक मीडियम साइज़ का कातला फ़िश मैं मार्केट से ही कटवा के लेकर आई थी। तो अब हम देख लेते हैं हमें इसमें क्या क्या चाहिए। इसमें चाहिए आलू, ये मेरे पास एक आलू है जिसको मैंने इस शेप में काट लिया है। उसके बाद है यहाँ पे ये प्याज, एक ही प्याज है ये। ये धनिया पत्ता है जिसको मैंने काट लिया है। और यहाँ पे है ये टमाटर, एक बड़ा टमाटर और दो ग्रीन चिलीज। आप अपने स्वाद के अनुसार, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मिर्ची को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ है ये घिसा हुआ अदरक, मैंने इसे कद्दूकस कर लिया था। और हमें चाहिए होगी यहाँ पे ये जीरा, ये गोटा जीरा है। और ये है हमारे पास जीरा पाउडर। हमें इतनी ही चीज़ों की बस ज़रूरत है, और स्वाद अनुसार नमक और हल्दी की ज़रूरत होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रेसिपी की। सबसे पहले हम फिश को मैरिनेट कर लेंगे ये हल्दी और नमक के साथ। इसे अच्छे से दोनों तरफ लगा लेंगे। फिश को मैरिनेट कर लिया है, अब हम इसे 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने के लिए मैंने बिठा दिया था। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो इसमें हम तेल, सरसों का तेल डाल लेंगे। डाल के एक एक करके सारी फिश को फ्राई कर लेंगे। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें मैं धीरे धीरे बड़े ध्यान से मछलियों को एक एक करके प्लेस करूंगी। फिश एकदम लाल लाल करके मैंने फ्राई कर लिया है, अब मैं सारे फिशेस को निकाल लूंगी। अब मैं थोड़ा सा और तेल डालूंगी और इसी तेल में मैं आलूओं को भी फ्राई कर लूंगी। तेल गर्म ही है, इसी तेल में मैंने आलू को फ्राई करना है। मैं आलू डाल दूंगी और हल्का सा नमक डाल के आलू को फ्राई कर लूंगी। करके मैंने निकाल लिया है। अब इसी तेल में मैं थोड़ा सा डालूंगी ये जीरा, एक छोटे चम्मच जितना जीरा। फिर मैं डालूंगी ये प्याज, इस जो एक प्याज था उसे मैंने मिक्सी में पीस लिया है। अब मैं डाल दूंगी इसमें टमाटर, जो एक टमाटर था अब इसको भी मैंने मिक्सी में पेस्ट कर लिया है। और दोनों हरी मिर्ची को भी स्लिट करके मैं अभी इसी में डाल दूंगी। डाल के अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार नमक और हल्दी। डाल के हम इसे अच्छे तरीके से, जब तक मसाला भुनता है, इसे पका लेंगे। मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालूंगी। एक बार में हम पानी नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा गर्म पानी डाल के हम इसे चला लेंगे। और इसी स्टेज में ये जो आलू थे, ये आलू मैं इसी स्टेज में डाल दूंगी। डाल के इसे थोड़ी देर रख देंगे। आलू मैंने इसमें डाल के, देखिए जो मैंने पानी डाला था उसी के बीच में आलू को इसमें डाला, ताकि आलू जो है इसके सारे स्वाद को एब्जॉर्ब कर ले। अब मैं डालूंगी फिर से, ये गर्म पानी ही है, ये है ग्रेवी के लिए। मैंने ये जो पानी मैं डाल रही हूँ अभी, इसमें ग्रेवी बनेगी हमारी। ये पानी हम तब तक इसको फुटाएंगे जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता। जब एक उबाल आ जाएगा फिर हम इसमें फिश को डालेंगे। ये इसमें उबाल आ गया है, अब हम इसमें फिश को, अपनी फिश को जो फ्राई करके रखी थी, सारी की सारी फिश इसमें हम डाल देंगे। मैंने सारी फिश को उसमें एडजस्ट कर दिया है। अब हम इसे ढक देंगे और 3 से 4 मिनट इसको ऐसे ही पकाएंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तीन से चार मिनट हो गए हैं, अब मैं इसे लिड को खोल देती हूँ। देखिए ये बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये इसमें एक दो पीस जो आलू है ना, उसे अच्छे तरीके से मैश कर देंगे। इससे क्या होती है, ग्रेवी जो होती है वो बहुत गाढ़ी हो जाती है और फ्लेवरफुल भी हो जाती है। मैं 2-3 आलू इसमें अच्छे से मैश कर दूंगी। मछली रेडी है, बस अभी उतारने से पहले हम इसमें ये डालेंगे ये जीरा पाउडर।
आप नॉर्मल जीरा पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास भुना जीरा है इसलिए मैं भुना जीरा पाउडर यूज कर रही हूँ। करके इसे मिलाकर बस एक मिनट इसे थोड़ा पका के हम फ्लेम बंद कर देंगे। अब मैं फ्लेम बंद कर दे रही हूँ और गार्निशिंग के लिए मैं डाल रही हूँ ये हरा धनिया। बस हमारा फिश रेडी है गर्मा गर्म बंगाली स्टाइल फिश कड़ी, इसे माछेर झोल के नाम से भी बोला जाता है। ज़रूर ट्राई कीजिए इसे, ये बहुत खाने में टेस्टी होती है और आपने देख ही लिया ये कितना ईजी है बनाने में। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, हर कोई इसे बना सकता है। तो मैं फिर से आपसे मिलूंगी एक ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए ईट हेल्दी स्टे हेल्दी।